बड़ा कम फ्रेंड्स, रिसेंटली हुआ क्या है कि कर्नाटक गवर्नमेंट कावेरी रिवर का पानी रिलीज नहीं कर रही है, इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई और बोली कि आप इंटरवेंशन कीजिए और कावेरी रिवर से पानी रिलीज करवाइए। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कावेरी रिवर के बारे में, देन कावेरी रिवर के वाटर को शेयरिंग को लेकर जो डिस्प्यूट है उसके बारे में। कावेरी रिवर वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी हिल्स की ताला कावेरी जगह से ओरिजिनेट होती है। ये कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये कर्नाटक एंड तमिलनाडु से होकर बहती है, देन बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो उससे पहले ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है एंड डेल्टा फॉर्म करती है, जिसे कहा जाता है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। कावेरी रिवर के पानी के शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट ब्रिटिशर्स के टाइम 1892 में मैसूर एंड मद्रास के बीच में स्टार्ट हुआ, देन 1924 में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ये एग्रीमेंट 50 साल के लिए यानी कि 1974 तक के लिए था। 1974 में जब एग्रीमेंट पूरा हो गया तो कर्नाटक पानी को अपने हिसाब से यूज करने लग गया, देन अगेन डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। जब दोबारा डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ तो उससे पहले इंडिया आज़ाद हो गया था एंड इंडिया ने रिवर वाटर को शेयरिंग के लेकर कुछ कानून बना लिए थे, तो पहले उनके बारे में जानते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक लॉ बना सकती है एंड इसी पावर का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1956 में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट पास किया एंड इस एक्ट का क्लोज पूर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल सेटअप करने का पावर देता है एंड इसी का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1990 में कावेरी रिवर के वाटर शेयरिंग के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल सेटअप किया। पूरे 17 साल बाद यानी कि 2007 में ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाता है। ट्रिब्यूनल बोलता है कि 56% पानी तमिलनाडु को मिलेगा, कर्नाटका को 36%, केरला को 4% एंड पुडुचेरी को 0.9% एंड वाटर के रिलीज को मैनेज करने के लिए एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी सेटअप की जाएगी। फिर क्या होता है कि तमिलनाडु ट्रिब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 2018 में सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के जजमेंट को अपहेल्ड करती है यानी कि कायम रखती है। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कावेरी मैनेजमेंट स्कीम लाए। सेंट्रल गवर्नमेंट उसी साल जून 2018 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम लाती है, जिसके तहत कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी सेटअप की जाती है। आई होप यू कि आपको सिंपल शब्दों में सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।